12 लीटर कैपेसिटी के हम 10 लीटर डालते हैं। एक एकड़ कितने टाइम में होता है? वो 7 मिनट में हो जाता है। वो जीपीएस मोड है। एक एकड़ में 10 लीटर पानी लगेगा। कैमरे के ऊपर भी दिख रहा है थोड़ा, मैं पहुंच देता हूँ यहाँ पे कैमरा। दोस्तों आज हम ड्रोन उड़ाने वाले हैं, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे तुषार निकम जी हैं। सर जी, हमें ये बताइए कि आपने ये ड्रोन कब लाया है? ये हमें ड्रोन लाकर एक महीना हो गया है। एक महीना हो चुका है। तो ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पहले समझाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर में मैं काफी सालों से सोच ही रहा था कि ड्रोन कब आएगा। आज मुझे देखने को मिली है टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन है, इसे कहते पंखे, ये खोलना पड़ेगा पहले उड़ाने के लिए। इस साइड के पूरे पंखा है? हाँ, पूरे पंखे, 6 पंखे, 6 मशीन से। अच्छा, इसमें और भी ड्रोन आते हैं कि अलग अलग टाइप के आते हैं? इस ड्रोन का नाम है एग्जोकॉप्टर। अच्छा, और ड्रोन है वो, उसके अलग अलग नाम है। मतलब उसमें क्या अलग बात है, इसमें क्या अलग बात है? उसमें पंखे बड़े आते हैं, और जो पानी की टंकी है उसमें वो भी ज़्यादा आती है। ये हमारे 12 लीटर की कैपेसिटी है पानी की टंकी की। ये पानी टंकी 12 लीटर? हाँ, 12 लीटर कैपेसिटी के हम 10 लीटर डालते हैं। उसमें एक एक कर हो जाता है। 25-30 किलो लेके ये उठाता है? आराम से उठा लेता है। इसको भी खोल दीजिए पूरा। तो यहाँ पे नोजल 1, 2, 3, 4। तो ये नोजल कौन से टाइप के, थोड़ा सा बताइए। वो ऊपर जाएगा तो स्प्रे साइड में देगा। अच्छा। ऐसे साइड में देगा वो, एयर निकलने के लिए नोजल के ऊपर का। अच्छा, और नीचे से पानी मारेगा? पानी मारेगा, ऐसे साइड में मारता है स्प्रे। तो थोड़ा सिस्टम हमें बताइए कि नीचे की टंकी, ऊपर का सिस्टम, कैसे पानी कैसे खींचता है और कैसे बाहर फेंकता है। टंकी में पानी भरने के बाद तो नीचे मशीन है, ये पंप है। अच्छा, उस पंप से वो स्प्रे बाहर आता है ये पाइप। हाँ, पानी। और नीचे सपोर्ट दिया, हम कहीं पे भी इसको रख सकते हैं? हाँ, वो प्लेन होगा तो चलेगा, थोड़ा सीधा रहने चाहिए जमीन नीचे की। अच्छा, सीधा सपाट रहना चाहिए, प्लेन रहनी चाहिए। तो इस ड्रोन को हम जो है कहाँ तक उड़ा सकते हैं, ऊंचाई लंबाई? ओ, ऊंचाई 15 फीट से चलेगा। 15 फीट तक चलेगा। हाँ। और लंबाई में कितना दूर ले जा सकते हैं? लंबाई में हम हमारे आके ऑक जितनी दृष्टि है ना। हाँ। उधर तक जा ले सकते हैं, मतलब जितना दिख रहा है वहाँ तक ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमें ये बताइए, ये वो बैटरी है ड्रोन की। अच्छा, उसमें एक एकड़ हो जाता है आराम से। अच्छा, एक बैटरी में एक एकड़ हो जाता है? और एक एकड़ कितने टाइम में होता है? 7 मिनट में हो जाता है। तो इसको लगाइए थोड़ा। अच्छा, यहीं पे बैटरी सेट? हाँ, होता है, बैटरी पीछे ही सेट हो जाती है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया। दो नहीं, एक बैटरी है। दो बैटरी के एक सेट बोलते हैं इसे। अच्छा, ये एक सेट है। हाँ, और ये एक एकड़ इसमें हो जाएगा लगा? हाँ, एक एकड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा पिन कनेक्ट किया, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। चालू भी हो गया। ये क्या चीज है ऊपर? वो जीपीएस मोड है। हम जब खेत का सर्वे करेंगे तब अपने आप ड्रोन उड़कर स्प्रे करके नीचे आ जाएगा, फिर वापस उसी जगह होता है ये। और ये? हाँ। और इसमें कैमरा भी है? हाँ, कैमरा भी है, मतलब हम उसमें आगे देख भी सकते हैं। हाँ, देख भी सकते हैं ये वाले रिमोट में। हाँ। अच्छा, ये पूरा रिमोट ही है? रिमोट ही है पूरा। ओके, तो मुझे ये बताइए, आपने इसको लाए हुए एक महीना हो चुका है, तो आप इसका इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ करते हैं? हम इसका इस्तेमाल गन्ने पे, और सोयाबीन, चावल, गेहूँ, कौन सा भी पिक हो उसमें चलता है। मतलब हाइट वाले फसल में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं? हाइट वाले फसल में अच्छा भी होता है, नीचे वाले फसल में भी अच्छा होता है। तो दोस्तों हमने इसकी टेक्नोलॉजी तो समझ ली, नीचे टंकी है, उसके ऊपर बैटरी फिट की है, साइड में पंखे हैं, और पानी के लिए 4 नोजल साइड में दिए गए। अब हम इसका लाइव देखते हैं। तो तुषार जी, हमें दिखाइए कैसे इसका लाइव इस्तेमाल करना है। हम पहले टंकी में पानी भरेंगे। यहीं से पानी डाल? हाँ, यहीं से पानी डालें। तो दवा इसमें पहले हम मिक्स करेंगे? हाँ, पहले दवा मिक्स करना पड़ेगा। हाँ। तो तभी तो दवा मिक्स हो जाएगी ना। इसमें कोई भी टाइप की दवा डाल? हाँ, कोई भी टाइप की दवा पहले इस मिक्स करके करने से बाद भरने का। अच्छा, दवा इसमें भरने, इसमें भी एक जाली दी गई है और नीचे भी एक जाली है। अच्छा, दो दो जाली इसमें। अच्छा, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है? दवा मान लीजिए हमने अभी भर ली। हाँ, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फिर हमें इसके एयर निकालना पड़ेगी। अच्छा, एयर निकालनी पड़ेगी? हाँ, इसकी एयर निकालनी पड़ेगी। अब ये मशीन खाली घूम रही, फिर ये घुमाएंगे तो एयर निकल जाएगी।
ये एयर निकल गई। हमें ही चलाना पड़ता है और ऑटो मोड में एक बार लोकेशन दिया तो अब अपने आप जाता है उधर, स्प्रे चालू हो जाता है और स्प्रे मार के फिर वापस आ जाता है। तो अभी क्या है कि आप आपका उड़ाइए, स्प्रे करिए, मैं मेरा वाला भी इसको ट्रैक करता हूँ, मैंने अब यहाँ पे रखा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आकाश भाई इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ भाई। तो दोस्तों अभी ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं पंखे इसके घूम रहे हैं। हाँ ओके स्टार्ट, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। एक खेत के ऊपर 5 मीटर पे रखना पड़ेगा तो भी स्प्रे हमारा अच्छे से पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? वो खेत होगा नीचे, हाँ। कौन सा भी उसके ऊपर 5 मीटर तक खड़ा करने पड़ेगा। 5 मीटर, हाँ, तभी स्प्रे अच्छा पड़ेगा ना। अभी गन्ना का स्प्रे गन्ने के ऊपर हमने, हाँ, लगाया है, ऊपर लगाया मैंने अपना वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्प्रे मैंने चालू किया है, अब आगे जा रहा है। हाँ स्प्रे हो रहा है अब। यस यस, मैं भी ले रहा हूँ ऊपर से इसको। ओके एक मिनट, धीरे धीरे। हाँ ये कंटिन्यू ऐसे फव्वारा नीचे से रोक सकते हैं हम? रोक दिया, अभी मैंने रोक दिया। अच्छा, और फिर चालू हो गया ये। हम आम जहाँ से स्प्रे किया, हाँ, वहाँ की लाइन दिखा रहे हैं। दिखा रहे है। अच्छा वहाँ पे दोबारा हम नहीं जाएंगे? नहीं, वो मैनुअल पे हम दिख जाते हैं कि किधर किधर हमने ड्रोन घुमाया है। अच्छा। वो ऑटो पे लगाया तो एक बार चालू किया तो अपने आप घूम जाएगा। ऐसे हम कितना मिनट चला सकते इसको? वो क्या नहीं, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें बैटरी हो तब तक चलेगा। तो अभी जैसे आपने कहा कि एक एकड़ में कितना पानी लगेगा इसमें? एक एकड़ में 10 लीटर पानी लगेगा। 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी लगेगा। काफी अच्छी तरीके से ये चल भी रहा है अभी। हमें ये बताइए कि उड़ाते समय कोई मेजर दिक्कत आती है क्या? नहीं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें अभी ले आए, हमें तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। अच्छा कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं आई। तो इस तरीके से हम अभी तो कम हाइट पे है, और थोड़ा ऊपर लेके दिखाइए हमें हाइट में। वो ज्यादा हाइट, खेत से ज्यादा हाइट होगा तो स्प्रे बैठेगा नहीं। अच्छा हवा में उड़ जाएगा? हवा स्प्रे साइड में जाएगा ना, ये बहुत ऊपर जाता है, इतने तक ले जाते हैं हम, इससे आगे नहीं लेकर गए। अच्छा ये मेरा वाला तो ज्यादा ऊपर नहीं जाता। ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऊपर एक ड्रोन है और नीचे एक ड्रोन है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए, वाकई में गजब के टेक्नोलॉजी का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। स्प्रे का क्वालिटी मतलब कैसे करता है? ठीक ठाक है कि? वो स्प्रे का क्वालिटी है ना, आइए थोड़ा देखते हैं हम यहाँ पे। हवा बहुत तेज चल रही है अभी, स्प्रे हमारे ऊपर स्प्रे लेंगे क्या? हाँ लेते हैं ऊपर, लेके ऊपर ले लीजिए। वो ये स्प्रे चालू हो गया, मतलब ये बहुत ही महीन ड्रॉपलेट लेता है। पीछे ले लीजिए चालू करके, और ले लीजिए दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं अभी बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, ये मेरे हाथ के ऊपर देखिए बहुत ही महीन है। कैमरा के ऊपर भी आ गया, कैमरा के ऊपर भी दिख रहा है थोड़ा, मैं पोज देता हूँ यहाँ पे कैमरा। बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, इससे क्या होता है कि कम दवा यहाँ पे लग रही है मेरे हिसाब से, और चल भी काफी तेजी से हवा लग रही है। इस पे भी देखिए ये छोटा छोटा है, बहुत महीन है। अब जब अचानक से अगर बैटरी खत्म हो जाए तो? नहीं, इधर हमें बताता है ना बैटरी खत्म हो रही है, अब पहले लेवल पे है बैटरी। अच्छा। फिर सेकंड लेवल बोलेंगे तो हम ड्रोन नीचे लेंगे। एक एकड़ में ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तब हमें समझ में आता है बैटरी खत्म हो गई, हम फिर चार्ज करेंगे और पेड़ के लिए लिए है बैटरी वो लगाएंगे। अच्छा दिन में आप कितना मारते हैं इससे? वो अच्छा खेत होगा वो 10 एकड़ हो जाता है आराम से बैटरी चार्ज होगी तो। और बैटरी चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? वो 15 मिनट में एक बैटरी चार्ज हो जाती है। दूसरों के खेत में कैसे चलाते हैं, मतलब कितना भाड़ा वगैरह लेते हैं? वो दूसरों के खेत में हम चलाते हैं, एक एकड़ को 800 रुपए लेते हैं। एक एकड़ में 800 रुपए लेते हैं? 800 रुपए लेते हैं। दिन भर में मारे तो 8000 रुपए। मतलब आपने इसका एक बिजनेस तैयार किया है।
बहुत ही बढ़िया। और आप कौन कौन से आपकी खेती में इसका इस्तेमाल करते हैं? हमने अभी तो हमारे यहाँ ज्यादा खेती गन्ने की होती है। ओके। गन्ने पे हमारा अभी सोयाबीन है और भुईमुग है। अच्छा, उसके ऊपर कर सकते हैं, स्प्रे किया है अभी। और टोटल एक एकड़ कितने मिनट में हो जाता है कंप्लीट? टोटल एक एकड़ में ऑटो में रहेगा तो 7 मिनट में हो जाएगा। मैनुअल है तो हमें चलाना है, इसलिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8 मिनट में दोस्तों, एक एकड़ 8 मिनट में हो जाएगा। हमें एक एकड़ स्प्रे करना तो 3 से 4 घंटा लगता है पीट वाले पंप से या तो स्प्रेयर से। बहुत ही गजब की एक चीज है। इसका डिस्टेंस कहाँ तक ये दूर जाता है? जब तक हमें ड्रोन दिखता है तब तक लेकर जा सकते हैं। बीच में लाइन होगी तो हम पीछे ले लेंगे। लगभग मतलब कितना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? 1 किलोमीटर तक रेंज पकड़ेगी आसानी से। और हाइट में? हाइट में 15 फीट तक ले जाना है नियम के हिसाब से। ऊपर जाना है तो खेती के काम के लिए परफेक्ट है। हाँ, परफेक्ट है। मतलब खेती के काम के लिए हम 15 फीट के हिसाब से जो भी फसलें हैं, जैसे कि सोयाबीन, गन्ना हुआ या आम की बगिया, चीकू की बगिया, वहाँ पे भी उड़ा सकते, छोटी वाली हाइट वाली कदर है। अंगूर में तो नहीं उड़ा सकते क्योंकि नीचे से उसको स्प्रे करना पड़ता है। जिसके पास बड़ा खेती है उसके लिए बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है क्योंकि उससे जो दवा की बचत हो जाती है। दवा की बचत होती है, आदमी कम लगते हैं, टाइम कम जाता है। हाँ, ये बात तो है कि 7 से 8 मिनट में एक एकड़ हो जाता है। 10 लीटर दवा लगती है, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें खर्चा कितना हो जाता है? मतलब इस मशीन का पूरा खर्चा कितने की है ये? ओ, मशीन है 4 लाख की। 4 लाख? 4 लाख की मशीन है। हमने एडवांस में स्पेयर में बैटरी 1.5 ली है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। और इस मशीन में मेंटेनेंस? मेंटेनेंस सिर्फ बैटरी का ही आएगा, और पंप खराब होगा वो का सबके पंप खराब ही हो जाते हैं। हाथ से भी कर सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे लैंडिंग देख सकते हैं, खास करके आप, कितना स्मूथ है। नीचे रबड़ की चीजें लगाई गई है। अभी पानी है फिर भी देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही स्मूथ तरीके से यहाँ पे लैंड भी हुआ। कितने देर तक ड्रोन चलेगा उसका टाइम भी आएगा। अच्छा। बैटरी कितनी है, ड्रोन कितने देर तक कितने दूर जा रहा है वो भी आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब सारा डेटा पूरा इसमें आएगा। आ जाएगा, हम जब उड़ा रहे तो वीडियो भी आएगा। आएगा, सारी चीज आती है, आ जाती है। फार्मर इस्तेमाल कर सकता है इसको? नहीं, उसके सीखना पड़ेगा ना। अच्छा, आप कहाँ सीखे? हम जाके आंध्रा में सीख ली। पूरा सीख गए? सीख गए। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लास्ट बात बस ये बताइए कि इसमें कोई मतलब पंछी विंछी या कोई जानवर को कुछ दिक्कत? हाँ नहीं, हम जब उड़ाएंगे तो ये जानवर, इसके आवाज से जानवर कोई नहीं पास में आएगा ना। आवाज ही तो दूरी भाग जाएगा। हाँ। मैं खुद ही भाग गया। सर जी, आपने एक टेक्नोलॉजी ला के बहुत ही अच्छा काम किया है, आपको बहुत ही बधाई हो। टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में ऐसे ही बढ़ती रहे, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे स्प्रे कर रही है, कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है एज एक एग्री बिजनेस के तौर पे, और खुद के खेती में भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्या ऐसे टेक्नोलॉजी और हमें वीडियो बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट से कमेंट कीजिए और इसके बारे में भी कुछ ज़रूर बोलिएगा, कुछ ना कुछ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए किसान भाइयों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।